Hi guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel kitchen hashtag life by Shehla. और सुहान जा रहे हैं अपने नानी के यहाँ, तो उससे पहले मैंने कहा कि आपको ये शेक अपना पूरा पीना है, उसके बाद हम चलेंगे. तो वो पी रहे थे बट साथ में खेल भी ज़्यादा कर रहे थे. छोटे हैं अभी, समझ में नहीं आता है उनको, बट उनको मज़ा बहुत आता है. उनकी बहनें ये देख के बहुत खुश होती हैं. कई बार परेशान भी हो जाती हूँ मैं कि सब मैसे सा हो जाता है, अब नहीं आ रहा है, मत करो, बट उनको लगता है देखिए आप किस तरह से, वो चाह रहे थे कि बस बिना हाथ लगाए हम पी लें इसको किस तरीके से, और बस वो कोशिश में लगे होंगे. हम उनको देख के बोल रहे थे बेटा ऐसे नहीं करते हैं, बट उन्हें सीखने से मतलब नहीं है, उन्हें तो बस जैसे वो कर रहे हैं उन्हें वो पसंद आता है, क्योंकि अभी छोटे हैं तो यही सब उनको अच्छा लगता है. साथ ही मैं एक बड़ी अच्छी सी चीज़ आपको सिखाना चाहती हूँ, ख़ासकर जो न्यू मम्मीज़ हैं और जिनको मतलब फीडर देना पड़ता है और मोस्टली देना ही पड़ता है, कि अच्छा रहता है ये, कि अच्छा मतलब अच्छा तो नहीं रहता है डॉक्टर के हिसाब से, बट ये है कि बहुत इजी हो जाता है मॉम्स के लिए. तो जो आप इतने महंगे महंगे स्टीमर ख़रीदते हैं, तो वो एक बेहतरीन सा स्टीमर आप घर में भी इस तरह से बना सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आपके पास बर्तन होते हैं, रैक होती है माइक्रोवेव की, नहीं तो इस टाइप की रैक्स मार्केट में मिल भी जाती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो उस पर आप इस तरीके से रख दें. और इंडक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, तो उस पर आप टाइमर सेट कर दें जिस तरीके से आप स्टीमर में सेट करते हैं, और बेहतरीन सी इसमें स्टीम आती है और बहुत अच्छे से ये बॉयल हो जाती हैं बिल्कुल स्टीमर की तरह. और स्टीमर में तो 7 से 8 मिनट का टाइम मोस्टली डालते हैं, बट मैं तो 10 मिनट का डालती हूँ ताकि अच्छे से बिल्कुल स्टीम हो जाए. तो ये मैंने एक अपना आपको बताया जो तरीका है, आपको पसंद आया हो तो बताइएगा, आपके काम आए, मोटिवेशन मिले. और साथ ही ये बहुत लाजवाब सा एक दिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में स्पेंड, छोटे छोटे दो स्टूडेंट्स हैं आरती और आयशा, और ये मेरी फ्रेंड हैं खालदा, तो हम दोनों ने टीचिंग की थी, तो इन्हें पढ़ाया है KG1 क्लास में. तो बस मैंने वही क्लास को इन लोगों को पढ़ाया है, तो ये लोग को अभी तक हम लोग याद थे. बहुत खुशी की बात होती है कि बच्चों को अगर आपको याद रहे, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आपको KG1 बहुत छोटी सी उम्र होती है, 4 to 5 years, इतनी छोटी उम्र में कुछ भी याद रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से. बट ये इतनी प्यारी क्यूट सी बच्चियाँ हैं कि आज भी इनको मोहब्बत है हमसे, और मिलने आई हैं ये लोग, और उन्हें याद था कि ये हमारी शहला मैम है, खालदा मैम है. तो ये दिलचस्पी थी उनके अंदर के उन मतलब रिस्पेक्ट भी है और प्यार भी है कि उन्हें याद रहा और वो मिलाई. तो मैंने सोचा चलिए आपको भी शूट करते हैं, साथ में शेयर करेंगे व्लॉग में. अजर अमर अजर अमर, यस अजर अमर हो जाएंगे, तो मतलब मेमोरेबल फॉर ऑलवेज. तो कभी भी किसी को भी याद आए तो देख सकता है यूट्यूब पे. तो मैंने व्लॉग में शूट किया था सबका, मैंने कहा चलिए शूट करते हैं आपके साथ भी, शेयर करेंगे इतना प्यारा सा वंडरफुल डे जो रहा, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे बट मीटअप नहीं हो पा रहा था, तो आज वो दिन था जिस दिन हमने मीटअप किया. जोहान क्या कर रहे हैं? जोहान ओ क्या कर रहे हैं? ओ भाई नहीं, ओ जोहान जोहान क्या देख रहे हैं मोबाइल में? मैम का गोग लगाने क्या देख रहे हैं ये? कोको देख रहे हैं? कौन है ये कोको आपके भैया, आपको पसंद है? कौन से कोको देखेंगे? अच्छी लग रही है काऊ, ये बच्चे काऊ लवर, काऊ देख रहे हैं, काऊ देख रही हो, अच्छी लगती है काऊ. जोहान क्या देख रहे हैं? जोहान काउ देख रहे हैं. ओह माय गॉड, ये बच्चे देखो काउ लवर हैं, अच्छी लगती है. आहा शी इज स्माइलिंग. ई शे
वाह Why are you holding my neck? Oi Shizu! Shizu! Ganji! Ali! Aishi Ali! Itti pyari Aishi Ali! Aha! Kya dekh rahe hain? Kya dekh rahe hain mobile mein? Aha! Zohan! 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 वो कुक कुक देख रहे हैं शेजू ओ शेजा शेजू आ देखो दत्तू दिख रहा है शेजू के Where are you going, Shiza? Zohan! Then hi, karo hi. Zohan, say hi. Hi, karo hi. Dono hi, karo. Shiza, hi, karo hi. Hi, Aliwa. Dono hi, Galen. Oh. Aha. Hi. Hi, Ure. Aha. ये है मेरी भतीजी शिजा और ये ड्रेस मैं जब लाई थी जब ये बहुत छोटी सी थी तो आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम ये ड्रेस पहनाया है तो देखिए आपने कितनी मस्ती करते हैं बच्चे आपस में उनको भी ज़िद होती है कि हमें एक ही चीज़ चाहिए जो एक को पसंद आती है वही दूसरे को पसंद आती है तो अक्सर ये होता ही है बच्चों को बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है आपस में बस इसी बात पे उन लोगों की फ़ाइट होती है बस यहीं पर ही चाहिए बड़ों को बिल्कुल भी बच्चों के फ़ाइट्स में ना बीच में पड़े क्योंकि बच्चों को ही सुलझने बहुत छोटे से मासूम से होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता वो मैं लड़ते हैं और फिर मिल जाते हैं गो गो ओ कार से कार की टक्कर हो गई ओ दो दो कार एक जैसी आ शिजू का पैर प्लेट चला रही है हंसी आ गई हंसी आ गई ये ओ दांत से देख ले 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 के जोन बंद कर जोन आहा अरे वाह अरे वाह कैसे खेल रही हैं बेबीज ये टू बेबीज कैसे खेल रहे हैं ओ शिजु अलीशा फेंक रहे हो आप लोग ओ जोहान हम टॉयज नहीं फेंकते ना गंदी बात होती है बड़ी वाली होती है क्यों मानी कुछ कहा है बदल रही हमारे जोहान को हर चीज़ फेंकने का बहुत शौक़ है वो पानी पीते हैं तो ग्लास फेंक देते हैं टॉयज से खेलते हैं तो उससे फेंक देते हैं वो कितना ही समझाओ उन्हें नहीं समझ में आता तो ये नानी के जाके हमेशा ही ये सब करते हैं और सब बच्चे आपस में इसी तरीके से खूब गदर करते हैं खूब मस्ती करते हैं और हम दिन भर एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं सब लोग बच्चों में पूरा दिन हो जाता है तो मैंने सोचा कि चलिए
आज आपको दिखाते हैं कि जब घर जाते हैं नानी के तो क्या होता है, कितना मैसेज कर देते हैं ये पूरा घर और किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं अपना और हमारा भी वक्त किस तरह से इन बच्चों में जाता है। तो वही सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है इस व्लॉग में। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा ज़रूर। साथ ही ये देखिए उनको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से करें, बट वो उनको सेल मतलब इतने टॉयज़ के बाद अब उनको मिल गए थे सेल, उन्होंने किसी टॉयज़ के निकाल लिए और बस अब उससे खेल रहे हैं कि नहीं अब हमें इससे खेलना है। तो इन लोगों की बस ये मस्ती इस तरीके से ही चलती रहती है, सब आपस में इतना मतलब करते हैं कि बस पूरा वक्त ऐसे ही गुजर जाता, पता भी नहीं चलता कि एक दिन कैसे गुजर गया। और साथ ही ये हमारी भाभी ने बनाया था इतना यम्मी सा खाना, यास्मीन कुक बाय यास्मीन। तो बहुत प्यारे से ये पराठे बन रहे हैं और ये गुलाब जामुन रेडी टू यूज़ जो बनता है आता है उसको बनाया है। साथ ही पसंद है यम्मी से, और ये पसंद है इन्होंने मेरी रेसिपी देख के बनाए हैं। तो ये कैसे लगे तो मैं जब खाऊंगी तब बताऊंगी आपको, फ़िलहाल तो आप देखिए कितना अच्छा स्वाद लिख रहा है सब कुछ खाना। और मुझे इस वक्त लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख क्योंकि मैं दोपहर में खाना खाया था, उसके बाद मेरी ऐसी कुछ खास आदत नहीं है खाने की, तो मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और इतना यम्मी सा खाना जब सामने हो तो भैया मुझसे तो नहीं होता सब्र, मैं तो बहुत फूडी इंसान हूँ, मुझे तो बस अच्छा अच्छा खाने को चाहिए चटपटा सा। और मुझे बनाने का भी उतना ही शौक़ है, ऐसा नहीं है कि बस खाने का ही शौक़ है, तो मुझे खाना खाना और बनाना दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। और खिलाना ऑब्वियसली मुझे खिलाना भी बहुत पसंद है कि मैं सबको अच्छा अच्छा बना के भी खिलाऊँ। तो ये मेरी मतलब हॉबीज़ में है, शुरू से है, जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से ये मेरी आदत है। तो मतलब जब नहीं बनता था बनाना नहीं आता था, मैंने गुलाब जामुन बहुत बार ट्राई की है बहुत बार, अभी मैं फिर बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, आपको दिखाऊंगी शेयर करूँगी आपके साथ रेसिपी कैसी लगी। तो बस मुझसे तो नहीं हुआ सब्र, तो मैं तो शुरू हो गई थी जल्दी से, मैंने कहा मैं बताती हूँ कैसा बना है खाना। तो बहुत अच्छा बना था, यम्मी सा गुलाब जामुन भी अच्छे थे, पराठे गरम गरम, गरम खाना मुझे बहुत पसंद है, तो बहुत अच्छी डिश बनी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और ये आज का व्लॉग ख़त्म यहीं पर ही, और साथ ही सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और लाइक करिए शेयर करिए और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।